जी हाँ, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, आज मैं आ गई हूँ अपने टेरेस में, और आज मैं आप लोगों को अपने टेरेस का आज मैं आप लोगों के साथ अपने टेरेस के क्या शेयर करूंगी? गार्डन। हाँ गार्डन शेयर करूंगी। कुकिंग की वीडियोस तो आपने बहुत देख ली, तो आज मैं सोच रही हूँ आप लोगों से तो क्यों ना अपना टेरेस गार्डन शेयर किया जाए। तो अभी जो पेड़ पौधे हैं वो जो लगे हैं वो थोड़े न्यू हैं, बट आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कब तक इसमें फल आ जाएंगे और कब तक सब्जियाँ उग जाएंगी। तो आप लोग रेडी हो मेरी साथ वीडियो देखने के लिए? रेडी हो? चलिए। फ्रेश वेजिटेबल्स जो कि अभी लगी नहीं है, पेड़ लगी है, किसी किसी में छोटी छोटी फूल वगैरह आ गए हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और जब भी पूरी हो जाएंगी तब भी मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट वीडियो शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या लगी। गाइस, ये जो है हमारे सबसे पहले पेड़ से स्टार्ट करते हैं, ये है हमारा प्यारा सा गुड़हल, जिसमें अभी फूल नहीं आए बट धीरे धीरे। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ये होममेड गमले हैं, ये सारे जो है ये होममेड गमले हैं, इसे घर में ही बनाया गया है। और ये जो है ये वाला गोल वाला भी जो घर में ही बनाया गया है, जिसमें गेंदे का पौधा लगा हुआ है। थर्ड गमला जो कि मोगरे का फूल है, ये मोगरा है, बहुत सुंदर लग रहा है, देखिए उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, पर मैं इसे तोड़ूंगी नहीं। मैंने बहुत सारे कोट्स पढ़े हैं जिसमें बोला जाता है कि अगर आपको कोई फ्लावर पसंद है तो उसमें पानी डालिए, उसे तोड़िए मत। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी, मैं इस पेड़ इस फूल को तोड़ूंगी नहीं, इसको यहीं रहने दूंगी, और इसको जब इसका टाइम आएगा तो वो अपने आप झड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस, ये जो पेड़ है ये एक वाइट कलर के फूल का पेड़ है, जिसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, पर मैं आप लोगों के साथ इसकी फ़ोटो शेयर करूंगी कि ये कैसा दिखता है फूल बड़ा होने के बाद, जिसमें जब फूल आ जाते हैं। तो ये जो सारे ये सारे लाइन से फ्लावर्स के पेड़ हैं, इसमें से एक भी वेजिटेबल्स नहीं है, सारे फ्लावर्स हैं। ये देखिए, अब कैटरपिलर भी है हमारे एक पेड़ में, इसको आप पास से देख लीजिए, कितना सुंदर दिख रहा है कैटरपिलर, वो वाव। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ब्यूटीफुल रोजेस आ रही है, अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ फ्लावर्स के हैं, आगे आपको वेजिटेबल्स के दिखाऊंगी। चलिए रोज देख लिया हमने, ये भी रोज है, ऑरेंज फ्लावर है, दिस इज ऑरेंज रोज, एज यू कैन सी हियर दिस इज ऑरेंज रोज। ये फिर से हम मोगरे के पास आ गए हैं, इसका एक थोड़ा सा झड़ गया है। अमेजिंग। ये जो है ये हिबिस्कस है, यानी कि गुड़हल, लाल वाले गुड़हल, ये कल तक उग जाएंगे। गुड़हल जो होते हैं वो बहुत इजीली कहीं भी लगाओ तो उसके जो स्टेम होते हैं उसको तोड़ के लगाओ तो गुड़हल उग जाते हैं। गुड़हल बहुत ही अच्छा होता है। इन फॉरवर्ड, अब बारी आ गई, धर लेना, अब बारी आ गई वेजिटेबल्स की, तो लेट मी शो यू वेजिटेबल्स कौन कौन से हैं। चलिए गाइस, चलिए मैं आप लोगों को अब दिखाऊंगी सब्जियां मैंने आप लोगों को
फ्लावर्स बहुत सारे दिखा दिए, अब आ रही है सब्जी की। तो सबसे पहले जो है ये सफेद बैंगन है, देखिए इसमें उग भी गया है। अभी एक ही बैंगन है, एक का तो कुछ कर नहीं सकते। जब दो ये जो है ये इसका फूल है, इसमें भी और बैंगन उगेंगे। और जो पीछे ये छोटा वर्जन है बैंगन का, तो ये जो है ये लंबे वाले बैंगन है, देखिए इसमें भी छोटी छोटी बत्ती आ रही है। देखिए छोटू सा इसमें बत्ती है, ये एक और मेरा छोटू सा बतिया है इसमें। और बस ये हो, जब हो जाएंगे तो इसका मस्त कोई पकवान बनाना सिखाएंगे आपको। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो बैंगन है ये दूसरे वाले बैंगन है, ये जो भरता बनाया जाता है एकदम बड़े बड़े चौड़े चौड़े वाले, ये वो वाले बैंगन है। और वो जो थे वो लंबे वाले थे, ये देखिए। इससे जब थोड़े से और ज़्यादा हो जाएंगे तब मैं आप लोगों के साथ कोई ब्यूटीफुल सी रेसिपी शेयर करूँगी। इसमें और भी फूल हैं जिसको आप देख सकते हैं, जो कि अभी बड़े हो जाएंगे दो तीन दिन में थोड़े से। गाइस अब मैं आप लोगों को वो पेड़ दिखाने वाली हूँ जो कि आप अगर किसी को बोल दो बुरा भला तो उनको बहुत जोर से लगती है, यानी कि मिर्ची। चलिए ये जो है हमारा मिर्ची का पेड़ है, इसमें एक मिर्ची है, इसमें बहुत सारी मिर्ची बहुत सारे लोगों को लगती है तीखा खाने से, या कोई कुछ गलत बोल दे तो मिर्ची लग जाती है ना, वो वाली मिर्ची है। ये देखिए मिर्ची। क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं इसे कच्चा खा लूं? नहीं। एक और बच्चों टोमेटो, अभी इसमें टोमेटो आए नहीं है, बहुत छोटा सा बच्चा है, इसमें आ जाएंगे टोमेटो तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कब आएंगे टोमेटो। ये सब देख रहे तो दोस्तों ये जो पेड़ है ये तुरई का पेड़ है, ये बेल की तरह रहता है यानी कि उसकी तरह फैलता है, तो इसलिए इसके बीच में एक छोटी सी लकड़ी की डंडी डाली गई है। और नाउ इट्स टाइम टू सी लौकी, चलिए मैं दिखाती हूँ लौकी कैसे होती है। दोस्तों ये जो है ये गोल वाली लौकी है, यानी कि जो गोल गोल होती है थोड़ी छोटी सी होती है वो वाली, ये जो लंबी लंबी लौकी होती है वो नहीं होती है। और इसको मतलब कि ये अच्छे से फैले इसके लिए ऊपर हमने रस्सी बांधी हुई है खूब सारी, जिससे उसी शेप में उसी हिसाब से ये फैले। ये जो है ये फैलने वाला पेड़ है, यानी कि एक जगह पर नहीं रहते हैं। आप देख सकते हैं इसे बड़े वाले गमले में हमने उगाया है, गोल गोल ही उगती है। मैं आप लोगों को एक लौकी जो लंबी और गोल वाली बोल रही थी ना, जो लंबी वाली लौकी थी उसका पेड़ बहुत आगे यहाँ तक उग गया था और वो नीचे से लगा था पेड़, उसमें जो है दो से तीन लौकी थी, इतनी छोटी छोटी आप देख लो लौकी, इतनी छोटी छोटी लौकी आ भी गई थी। बस इसको सिर्फ वन वीक लगते इसको बड़े होने में, तब तक जो है सांड या गाय जो है वो पेड़ नीचे से जड़ी खा गई उसका, और हमारे पास तो फसल था इसका चेहरे का बॉडी बची। गाइस तो चलिए अभी मैं आपको नींबू के बच्चे वाले पेड़ से मिलवाऊंगी, उसके बाद मैं आपको उसको बम्पर साइज से मिलवाऊंगी। तो अभी हम बच्चे से मिल लेते हैं, बच्चों से मिलनी है, अब उनके मध्यम वालों से मिलेंगे। छोटे ही पेड़ में मतलब कि बहुत सारे नींबू उगने लगते हैं, तो जैसे कि आप लोग जूम से देख लीजिए इसमें फटाफट नींबू आ जाएगा। ये जो नींबू है ये आप लोगों के लिए गिफ्ट है, आप इसे पानी में घोल के पी लीजिएगा। दिस इज़ फॉर यू गाइस माय सब्सक्राइबर्स। तो अभी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारा ये जो आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारा ये जो लवली सा पेड़ है जिसमें आप प्यारे प्यारे छोटे छोटे नींबू देख रहे हैं, यहाँ बड़े साइज वाले हैं, वैसे ही इतने बड़े बड़े होते हैं। अभी इतनी हमारे मतलब कि हमारे घर पे ऐसा था कि पूरे लंगर लग गई थी नींबू के, हम लोगों को जो भी हमारे यहाँ रहता था सबको इतने इतने नींबू ऐसे बांट रहे थे। आप में से भी अगर किसी को चाहिए होगा तो ज़रूर आइएगा, ओके आपको भी ज़रूर मिलेंगे। तो ये आप लोगों के ही लिए है, हम आप लोगों को पेड़ भी दिखा देती हूँ। और मैं आप लोगों को जो बोल रही थी ना लौकी का पेड़ गैया खा गई, गैया खा गई, तो ये ओरिजिनल हमारे पेड़ के नींबू है, जैसे कि आप देख सकते हैं बड़े बड़े वाले एकदम नींबू हैं, देखिए कितने बड़े बड़े हैं। अभी तो ये थोड़े कम है, उससे पहले और भी थे। गाइस तो यहाँ पे जो हमारे नींबू के पेड़ के पास जो है वो बाउंड्री नहीं है, तो यहाँ से आधे से ज्यादा नींबू तो हमारे ऐसे चोरी हो जाते हैं, यानी कि कोई ले जाता है। अच्छा तो कोई बात नहीं, फल हमेशा बांट के ही खाने चाहिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे पीछे वाले साइड से कि कितने यहाँ पे नींबू है।
ये जो है सारे सेम की और तोरई के पौधे हैं जिसको बीज डाल के उगाया गया है। ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं प्यारे से, ये सब वो हैं। और ये जो हैं बैंगन है, बैंगन थोड़े ज़्यादा लगे हैं हमारे घर में, बट बैंगन के भी अलग अलग टाइप्स हैं। ये जो है ये लौकी है, यानी कि ये लंबी वाली लौकी है। एक जो आपने देखी थी वो गोल वाली थी, और ये जो है ये लंबी वाली लौकी है। छोटा छोटा देख रहे हो आप, ये सब गाजर का है। अब जो है इसमें और भी मैं आपको पौधे दिखाऊंगी जो कि चीकू और लीची के पौधे हैं, यानी कि उसके भी पेड़ है यहाँ पे। ये सारे जो है मैंगन और नींबू के छोटे छोटे पौधे हैं, इसको भी गमले में डाल के अभी उगाएंगे। पर ये जो है अभी थोड़े छोटे हैं इसलिए उनको उसको इसमें रखे हैं। इनके यहाँ पे जो है लाइन से सारे बैंगन के जो आप देख सकते हैं, पूरे बैंगन है अलग अलग टाइप के। बैंगन के बाजू में जो साइड में एक छोटा सा पौधा दिख रहा है आपको, वो जो है वो गाजर का है। जो बेल जैसा देख रहे हैं वो लौकी का है, वो लंबी वाली लौकी का है। उसके पीछे जो छोटे 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 दिख रहे हैं वो सारे नींबू के पौधे हैं। ये भी बैंगन ही है, मोस्टली बैंगन आपको दिखेगा। और ये जो ऊपर छोटे 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 हैं वो सारे नींबू के पौधे हैं। ये गुड़हल का फूल है, यानी कि हिबिस्कस का। उसके जो पीछे साइड में है वो नींबू है। ये जो है ये तरोई के हैं, जिसको हमारे यूपी साइड में नेनवा बोला जाता है। ये सारे उसके हैं। और ये जो चौड़ा वाला जो आप देख रहे हैं गमला, यानी कि जो थोड़े लंबे में है, वो रेडिश का है, यानी कि मूली का। दिस इज द कम्प्लीट व्यू ऑफ माई टेरेस। सामने साइड में जो है वो फूल लगे हैं, और पीछे साइड में जो है वेजिटेबल्स लगे हैं। ये आप एक बार फिर से देख लीजिए। ये जो है ये मूली का पेड़ है, यानी कि मूली का पौधा है। इसके अंदर जो इससे हम लोग दो बार साग बना चुके हैं, यानी कि जो मूली की साग की जो सब्जी होती है ना वो। और यहाँ पे भी कुछ लगा है। ये जो ये मिर्ची का पेड़ है हल्का सा सूख गया है, इसको पानी की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा। ये मिर्च का पेड़ है, हरी मिर्च का। ये आम का पेड़ है, और इसकी जो ये साइड में आप देख रहे हैं उसको ढका हुआ है, क्योंकि वो उसे कम धूप की ज़रूरत है इसी वजह से। ये भी मिर्च का पेड़ है। ये बैंगन का है, देखिए छोटू सा बैंगन भी लटक रहा है इसमें। और जो भी पेस्टिसाइड वगैरह होती हैं वो सारी घर पे होममेड ही होती है। ये जो है धनिया पत्ती है, यानी कि कोरिएंडर, फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर। उसके साइड में जो आप ये देख रहे हैं ये छोटा छोटा सा, इसमें जो है बीजा और पानी डाल के इसको सबसे पहले पौधे उगाए जाते हैं। गाइस तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और फटाफट से मेरे 1K सब्सक्राइबर्स कर दो, उसके बाद एक बहुत ही अच्छी और स्पेशल वीडियो आने वाली है जो कि मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हम सेलिब्रेशन करेंगे 1K सब्सक्राइबर्स का, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर्स का। तो प्लीज़ आप लोग फटाफट मेरी वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल। और हाँ, इस वीडियो को बनाने में मेरी सोना, यानी कि मेरी बहन ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है बनाने, इन द सेंस शूट करने में। तो मैं उसको इसका क्रेडिट देना चाहूँगी। थैंक यू।